पांचों पीर बाबा के दरगाह पर, जो कि इस पहाड़ी पर सबसे लास्ट में दरगाह है, पांचों पीर बाबा का दरगाह। जो इनका नाम दोस्तों आज तक किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि ये बहुत पहले से अपने ज़माने से ही पांचों पीर बाबा के दरगाह के नाम से मशहूर हैं। इतना ख़तरनाक लोकेशन पे हूँ, जो कि ये रास्ता जाता है गुफे वाला बाबा के पास, जो कि ये देख सकते हैं नीचे कितना सीधा दिखेगा आपको, पीछे होके बैठो। दोस्तों फाइनली बाबा के घोड़े के टाप के चश्मे का पानी मैं जा रहा हूँ पीने। ये घोड़े का टाप है, चश्मे का पानी है, हाजी अब्दुल रहमान मलंग शाह बाबा। सिक्का हमारा चिपक चुका है यहाँ पर, और देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर सिक्का चिपकाने वाले जगह पर सिक्का चिपकाए हुए हैं। और हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम, मैं आपका अपना एमडी आसिफ यूपी वाला स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एक नए दिन एक नए वीडियो में। सो अभी मैं हूं हाजी मलंग दरगाह पर। तो आज दोस्तों हाजी मलंग पहाड़ पर मेरा आज दूसरा दिन है। अभी हम हैं इस तरफ जो देख रहे हैं, ये जो रास्ता आ रहा है ये आ रहा है हाजी मलंग बाबा की तरफ से, और ये जो रास्ता इधर जा रहा है, यही रास्ता जो इधर जा रहा है, ये जा रहा है पांच पीर बाबा के दरगाह के तरफ। तो अभी दोस्तों हम इस दुकान के पास बैठे हुए हैं, जो कि चाय नाश्ता वगैरह करके अब यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ हाजी मलंग दरगाह के ऊपर कितने सारे चीज़ हैं देखने लायक। पहला मैं आपको दिखाऊँगा पाँच पीर का दरगाह, दूसरा आपको दिखाऊँगा जहाँ जिस पहाड़ में पैसा चिपकता है, तीसरा मैं दिखाऊंगा आपको एक पहाड़ है जिस पहाड़ के नीचे दरगाह है, जो कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो आपको बैठकर उस पहाड़ के नीचे दरगाह में आपको जाना पड़ेगा, और दूसरा आपको दिखाऊंगा घोड़े का टाप, जो कि बाबा का घोड़ा था उसके टाप से आज भी इस पहाड़ पर 4 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर आज भी वहाँ पर पानी निकलता है। तो इस पहाड़ को मतलब मेरे कहने का मतलब इस पहाड़ पर जितनी भी चीज़ देखने लायक है सारा कुछ बारी बारी से एक्सप्लोर करके आज आपको दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं यहाँ पर हूँ, बस आज की इस वीडियो का करने शुरुआत, चलते हैं आज के इस डेस्टिनेशन के तरफ और सारा कुछ इस पहाड़ पर एक्सप्लोर करके, हाजी मलंग दरगाह के पहाड़ पर सारा कुछ एक्सप्लोर करके आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई एमडी आसिफ यूपी वाला को सपोर्ट करें। ये रास्ता दोस्तों पांच पीर बाबा के दरगाह की तरफ जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना डेंजरस व्यू है। ये देखिए सामने कितने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, और ये दोस्तों रास्ता जाता है पठान बाबा की तरफ, जो कि वो जो देख रहे हैं पहाड़ उसी के बीच में पठान बाबा का दरगाह है। तो वहाँ भी अगर पॉसिबल होगा तो वहाँ पर भी जाकर हम दिखाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन पे ये पहाड़ है, क्योंकि ये देख सकते हैं सभी लोग पाँच पीर बाबा का दरगाह ज्यारत करके वापस हो रहे हैं हाजी मलंग बाबा के दरगाह के तरफ। और ये दोस्तों दूरबीन है, जो कि यहाँ से चाचा जी दिखाते हैं, यहाँ से क्या दिखाते हैं चाचा जी? दादी माँ की मजार, जो कि यहाँ से आपको दिखेगा जस्ट सामने, यहाँ से जस्ट सामने वो जो देख रहे हैं अंगूठे के निशान के तरफ पहाड़, वहाँ पर दादी माँ का दरगाह है, जो कि यहाँ से आप क्लियर इस दूरबीन पर दे सकते हैं। और यहाँ से ₹5 का चाचा जी लेते हैं, ₹5 चार्ज, और यहाँ से आप देख सकते हैं। ये दोस्तों दूरबीन से देखने का सिस्टम है, जो कि ये पांच पीर बाबा के दरगाह के रास्ते में है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो यहाँ से दूरबीन से ज़रूर देखिए, और ये चाचा जी हैं यहाँ पे, ये आपको हमेशा मिलेंगे यहाँ पर दूरबीन से दिखाने के लिए। तो अब चलते हैं दोस्तों पाँच पीर बाबा के दरगाह के तरफ। तो अभी दोस्तों इस गेट पर हम मौजूद हैं, ये गेट दोस्तों है हज़रत सैयद मोहम्मद यासीन कमली शाह बाबा का, जो कि गुफे वाला बाबा से भी मशहूर है, जो कि गुफा में ये दरगाह शरीफ है, जो कि हज़रत सैयद मोहम्मद यासीन कमली शाह बाबा का है, जो कि ये रास्ता जाता है गेट की तरफ। तो आइए चलते हैं कमली शाह बाबा के दरगाह का, गुफे वाले बाबा का कर दो। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं मैं कितना ख़तरनाक लोकेशन पे हूँ, जो कि ये रास्ता जाता है गुफे वाला बाबा के पास, जो कि ये देख सकते हैं नीचे कितना छोटा छोटा घर दिख रहा है, जो कि यही रास्ता आता है, जो कि वो जो देख रहे हैं वहाँ से सीधे आता है हाजी मलंग बाबा के तरफ। तो इसके इस तरफ से ये रास्ता जाता है दोस्तों हल्का सा नीचे, जो कि वो झंडा आप देख रहे हैं उसी के नीचे गुफे वाले बाबा का दरगाह है। तो वहाँ चल रहे हैं, आप सभी लोगों को ज्यारत कराते हैं गुफे वाला बाबा का, जो देख सकते हैं देखो कितना ख़तरनाक और डेंजरस जगह पर दरगाह बनाया गया है यहाँ पर इस पहाड़ पर। तो आइए दिखाते हैं आप सभी लोगों को गुफे वाला बाबा का दरगाह। सीधा दिखेगा आपको, पीछे होके बैठो, पीछे होके रास्ता है।
तो हम हैं जहाँ पर सिक्का चिपकता है बाबा के दरगाह पर, और यहाँ पर हाजी मलंग बाबा 900 साल पहले यहाँ पर इबादत करते थे, और उनके इबादत का करिश्मा ये रहा कि उनके करिश्मे से यहाँ पर पैसा चिपकता है, अगर जिसके किस्मत में हो वो चिपका सकता है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर पैसा चिपकने वाले जगह पर आ चुके हैं, और यहाँ पर बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे बच के रहना है। और आइए धीरे धीरे आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पर पैसा चिपकता है। आइए जी, कोल्ड ड्रिंक माजा फ्रूटी सब पी जाते बंदर। हिलने थे तो अभी दोस्तों आ चुके हैं यहाँ पर। यहीं पे बाबा 900 साल पहले इबादत करते थे, और ये जगह सबसे ज़्यादा मशहूर है पैसे चिपकाने के लिए। लेकिन इस जगह पर बहुत बड़ी करामात है, जो कि इसी जगह पे 900 साल पहले बाबा यहाँ पर इबादत करते थे, जो कि ये देख सकते हैं यहीं पे पैसा चिपकता है दोस्तों। ये देख सकते हैं, यहाँ पर आइए, आपको नाख लोकेशन है, देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त ये बनाया गया है छड़का, जो कि आप इस तरफ नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत ही डेंजरस जगह पे है। और इस तरफ आइए, इस तरफ आइए, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लोग पैसा चिपकाए हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे पैसा चिपकाए हुए हैं 1-2 का। और ये रहा दोस्तों बाबा के इबादत की जगह, और हम भी देखते हैं यहाँ पर बाबा जहाँ पर इबादत करते हैं हमारे किस्मत में क्या होता है, हम भी चिपकाते हैं पैसा, देखते हैं, देखता हूँ मेरे पास चेंज है कि नहीं। चेंज दोस्तों है 2 का सिक्का, देखता हूँ मैं भी चिपकाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों ये ऐसा, आप अगर मखदूम शरीफ जाएंगे तो वहाँ पर भी पैसा चिपकता है, नहीं चिपक रहा है। ओह माशाल्लाह, यहाँ सिक्का हमारा चिपक चुका है यहाँ पर, और देख सकते हैं कई सारे लोग यहाँ पर सिक्का चिपकाने वाले जगह पर सिक्का चिपकाए हुए हैं। और यहाँ देख सकते हैं दरगाह शरीफ भी लग रहा है बनाया गया है, और यहीं पे बाबा अपना ज़ियारत, बाबा यहाँ पर इबादत करते हैं। तो ये रहा दोस्तों सिक्का चिपकाने वाली जगह। तो अब चलते हैं, यहाँ से इसी रास्ते में 5 पीर बाबा का दरगाह है, तो आप सभी लोगों को वो दरगाह का भी ज़ियारत करवाते हैं। तो अभी दोस्तों आ चुका हूँ मैं सबसे ख़तरनाक लोकेशन पे। ये दोस्तों लोकेशन है 5 पीर बाबा के रास्ते में, जो कि बहुत ही डेंजरस रास्ता है यहाँ का। आप तो उस साइड जो हाजी मलंग बाबा हैं वहाँ तक आ सकते हैं आसानी से, जो कि रास्ता बनाया गया है। और ये दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है, ख़तरनाक लोकेशन की बात की जाए तो दूसरे नंबर पे आता है, और पहले नंबर पे वो आता है जो कि सबसे ऊपर बाबा हैं, जो कि मैं आपको दिखा रहा था, वहाँ भी जाने का कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से पूरी कल्याण सिटी दिखती है, जो कि देख सकते हैं इधर, देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी घर दिख रहे हैं, लोग कितने छोटे छोटे दिख रहे हैं इस तरफ, और इस तरफ देखिए कितनी ऊँची ऊँची पहाड़ियों के ऊपर बनाया गया है दरगाह। और ये दोस्तों सीधे रास्ता ये जाता है, देख सकते हैं ये वाला, जो कि लोग आ रहे हैं ज़ियारत करके, ये जाता है सीधे 5 पीर बाबा के दरगाह पर, जो कि इस पहाड़ी पर सबसे लास्ट में दरगाह है 5 पीर बाबा के दरगाह, जो कि देख सकते हैं सबसे लास्ट में जो वो दिख रहा है झोपड़ी के तरह घर नुमा बनाया हुआ, सबसे आखिरी में वहाँ से करीब, यहाँ से मैं बता रहा हूँ यहाँ से कम 1 किलोमीटर दूर पे है, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ से पूरा नीचे चढ़ाई है। और थोड़ा सा पास आके प्रवेश दिखाओ तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए दोस्तों कितना
डेंजरस चढ़ाई उतरना है यहाँ पर, जो कि अगर थोड़ा बहुत भी पैर फिसला तो समझ लीजिए नीचे जाएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप आ रहे हैं दोस्तों यहाँ पर दरगाह पर ज्यारत करने, चाहे भी किसी भी दरगाह पर जाइए, यहाँ इस पहाड़ पर जो कि मलंगगढ़ पहाड़ है, जो यहाँ पर कई सारे दरगाह हैं और सभी दरगाह एडवेंचर से भरपूर और ख़तरनाक लोकेशन पर मौजूद है। तो अभी दोस्तों ये रास्ता सीधे जाता है पाँचों पीर बाबा के दरगाह पर, और ये भी बहुत ही ख़तरनाक लोकेशन है। तो आइए चलते हैं हम सीधे पांचों पीर बाबा के दरगाह पर, और वहां से आप सभी लोगों को पांचों पीर बाबा का दरगाह का ज्यारत करवाते हैं और अपने भी ज्यारत करते हैं। तो आइए चलते हैं, रुको। तो दोस्तों यहाँ पे जो पांच पीर दरगाह है, लेकिन यहाँ पर आप आकर कन्फ्यूजन ना हो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो एक लाइन से आप देख रहे हैं, ये चार मज़ार और एक ये मज़ार, ये पांच मज़ार है। और वो जो सबसे पहले मज़ार शरीफ आप देख रहे हैं, वो खादिम जो कि बाबा के दरगाह में जो खादिम थे उनका पहला वाला मज़ार है। फिर इसके इस तरफ पांच मज़ार जो है, ये पांचों पीर बाबा का पांचों पीर बाबा के पांचों दरगाह है। तो इनका नाम दोस्तों आज तक किसी को पता नहीं चला है, क्योंकि ये बहुत पहले से अपने ज़माने से ही पांचों पीर बाबा के दरगाह के नाम से मशहूर हैं, जो कि सभी लोग जानते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर, ये यहाँ के खादिम साहब है। क्या नाम है भाईजान आपका? रजाउल करीम। रजाउल करीम, यहाँ पे आप कब से खिदमत कर रहे हैं? मैं चार महीने से हूँ। अभी नए नए हैं? अच्छा, तो यहाँ पर कितने दरगाह है, कुछ थोड़ा जानकारी बताएंगे आप? आप पहले सीढ़ी उठेंगे तो आपको मिलेगा बख्तर शाह बाबा। हाँ, बख्तियार शाह बाबा। सलामी है। दूसरी सलामी है हाजी सुल्तान शाह बाबा। अच्छा, और तीसरी सलामी है हाजी अब्दुलरहमान शाह मलंग रहमतुल्लाह अलैह। फिर चौथी सलामी है कमलेश्वर बाबा। अच्छा, और पांचवी सलामी है पांच पीर दरगाह। पांच पीर दरगाह लास्ट पहाड़ है। अच्छा, कुछ है नहीं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे लास्ट पहाड़ है, क्योंकि आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कोई दरगाह शरीफ आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि यहाँ से देख सकते हैं पूरा खाई है नीचे, और ये जो आप देख रहे हैं ये मलंगगढ़ गांव आपको दिख रहा है, और जस्ट सामने उस तरफ कल्याण आपको दिखेगा। ये जो पूरा आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ से ये जो पहाड़ है सारा ख़त्म होता है, क्योंकि देख सकते हैं कितना डेंजरस इलाका है, और इस डेंजरस इलाके पर पाँचों पीर बाबा का दरगाह मौजूद है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों आप सभी लोगों को पांचों पीर बाबा का दरगाह का ज्यारत हमने करा दिया। तो ये रहा दोस्तों पांचों पीर बाबा के दरगाह का कहानी, जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया, जो कि ये देख सकते हैं यहाँ पर पांच दरगाह शरीफ है, जो कि यहाँ के इस तरफ जो आप देख रहे हैं ये जो लास्ट है, यहाँ के बाद आपको कोई दरगाह शरीफ भी नहीं दिखेगी ना पहाड़ी दिखेगी, क्योंकि यहाँ पर इंड होता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ ऐसा व्यू आप देख सकते हैं दरगाह शरीफ का, जो कि आप आएँ यहाँ पर दरगाह पर ज्यारत करें, अपने दुआओं को मांगने, और आपका मन्नत ज़रूर पूरा होगा। फिर इसके बाद दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाँ घोड़े का टाप है, जो कि हाजी मलंग बाबा का घोड़ा था, जो कि उनके टाप से पानी निकला था, उस जगह को अब आपको मैं दिखाने चलूँगा, जो कि मेरा मकसद था कि पांचों पीर बाबा का दरगाह का ज्यारत कराने के बाद उस जगह आपको ले चलूं। तो अभी दोस्तों मैंने आपको पांचों पीर बाबा का दरगाह का ज्यारत करा दिया, अभी मैं भी यहीं पे मौजूद हूं पापा पांचों पीर दरगाह के अंदर। तो यहां से अब चलते हैं दोस्तों सीधे घोड़े के टाप का पानी जहाँ निकला है वहाँ पर आपको दिखाते हैं वहाँ का कैसा व्यू है। आओ
तो अभी दोस्तों हम आ चुके हैं इस लोकेशन पे, जो कि ये बहुत ही डेंजरस लोकेशन है, और अभी हम जाने वाले हैं उससे भी डेंजरस जगह जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो कि अभी मैं आपको दिखा के यार आया हूँ पांचों पीर बाबा का दरगाह, जो कि अभी इस लोकेशन पे हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे हेलीपैड बनाया गया है, जो कि अगर हेलीकॉप्टर से जो कोई भी आता है यहीं पे उतरता है, जो कि हेलीकॉप्टर को उतरने लायक बहुत बेहतरीन जगह बनाया गया है, और हेलीपैड भी बनाया गया है यहाँ पे। तो हेलीकॉप्टर से जो भी आता है यहीं पे उतरता है। हम लोग भी आएंगे, आप लोगों का दुआ रहा तो हेलीकॉप्टर से हम लोग भी आएंगे यहाँ पर हाजी मलंग दरगाह पर ज्यारत करने के लिए। तो अभी दोस्तों ये रहा, दोस्तों ये देखिए जो ऊपर वाला पहाड़ देख रहे हैं उस पर भी एक दरगाह शरीफ है, जो कि वहाँ भी हम जाने वाले हैं। लेकिन वहाँ जाने से पहले आपको हम दिखाने वाले हैं घोड़े का टाप, जो कि जहाँ पर बताते हैं लोग कि उस ज़माने में जब बाबा का घोड़ा था, बाबा के हुक्म पर उस घोड़े ने टाप मारा था, अपना कदम मारा था, तो वहाँ पर इस पहाड़ पर आज भी पानी निकलता है। ये क्या हकीकत है क्या नहीं है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादातर, लेकिन जो लोग बताते हैं उस वही मैं आपको बता रहा हूँ कि आज भी उस जगह से पानी निकलता है घोड़े के टाप के यहाँ से। तो अभी दोस्तों ये रास्ता जाता है उस तरफ घोड़े का टाप के तरफ, तो आइए चलते हैं उस जगह पे और उस जगह को दिखाते हैं घोड़े का टाप कहाँ है और कैसा पानी आज वहाँ पे निकलता है। तो आइए चलते हैं उस जगह पर। तो अभी दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं घोड़े का टाप जहाँ लगा था, चश्मा बोलते हैं, घोड़े का टाप का चश्मा यहीं पे लगा था, जो कि लोग बताते हैं कई सदियों से यहाँ पर पानी निकलता है। तो आइए बिल्कुल नज़दीक से दिखाते हैं आपको, यहाँ आइए और पास आइए, यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों पानी यहीं से निकलता है पानी, जो कि लोग बताते हैं कि जिस टाइम 900 साल पहले जब बाबा हाजी मलंग साहब जिंदा थे उनके घोड़े ने यहीं पर टाप मारा था और यहीं से पानी आज भी निकलता है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कितना गहरा है, कुछ अंदाज़ा वगैरह है? 4 फुट गहरा है और पानी हमेशा रहता है इसमें। ये पानी का 900 साल है, ना पानी ऊपर आता है ना पानी नीचे जाता है, मतलब इतने बराबर रेगुलर रहता है। आएंगे तो पानी आपको उतने। अच्छा, तो देख सकते हैं दोस्तों इसको एक कुदरत का करिश्मा ही आप मानेंगे कि यहाँ पर पानी 4 फीट है और ये पानी हमेशा रहता है, चाहे कोई भी मौसम हो, बरसात हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, कोई भी मौसम हो, यहाँ पर आप आएंगे पानी पियेंगे। तो हम भी भाई साहब से मांगते हैं और हम भी थोड़ा सा पानी पीते हैं यहाँ का। तो दोस्तों फाइनली बाबा के घोड़े के टाप के चश्मे का पानी मैं जा रहा हूँ पीने। एक गिलास। तो अभी दोस्तों मैं हूँ घोड़े का चश्मा जहाँ पानी निकलता है, देख सकते हैं यहाँ पे। तो हमारे साथ एक भाईजान जुड़े हैं, इनसे यहाँ के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा यहाँ के बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताइए। ये घोड़े का टाप है, यह हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा जब मदीना शरीफ से आए थे तो यहाँ पर 4 पहाड़ था। अभी नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक एक पहाड़ है, 3 पहाड़ इसके ऊपर और थे। जब यहाँ पर चिराग जलता था तो मदीना शरीफ में दिखता था, तो यहाँ पर जो शैतान लोग थे, राक्षस लोग थे, वो लोग इंसानों को मार के उसकी चर्बी निकाल के लोग चिराग जलाते थे। तो यहाँ पर अत्याचार ज़्यादा हो रहा था, तो हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा को हुक्म हुआ इधर आने का, तो उन्होंने अपना निकाह छोड़ के इधर आए। जब इधर आए तो यहाँ पर 4 पहाड़ था, अभी नीचे से लेकर ऊपर टॉप तक एक पहाड़ है, 3 पहाड़ इसके ऊपर और थे। जब उन्होंने घोड़े के ऊपर जब मारे थे तो इधर घोड़े का पैर लगा, पैर लगने के बाद 3 पहाड़ नीचे ज़मीन में धंस गया, अभी एक पहाड़ है, तो यहाँ से पानी निकलना चालू हो गया। वो टाइम पे पहाड़ पे पानी कहीं भी नहीं था, तो ये पानी से सरकार ने वजू बनाए थे नमाज पढ़ने के लिए। तो ये 4 फुट का खड्डा है, 4 फुट के खड्डे में से पानी आता है, और ये पानी को 900 साल हो गया, ना पानी ऊपर आता ना पानी नीचे जाता है। और ये पानी को 900 साल हो गया, ना पानी ऊपर आता ना पानी नीचे जाता है। आप कभी भी आएंगे तो पानी आपको उतना ही दिखेगा। ये हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा की करामात है। जहाँ पर आप बस स्टॉप से उतरे थे ज़मीन है, ज़मीन से आप 8,000 फुट ऊपर है, और ये हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा की करामात है। आप कभी भी आएंगे तो पानी आपको उतना ही दिखेगा।
घर में जो बीमार है परेशान है उसको पानी पिलाने का, और जिसके घर में बरकत नहीं है रोजी नहीं है घर के चार कोने पे पानी छिड़कने का सीधे हाथ की तरफ से। नापाकी गंदगी की तरफ पानी नहीं गिराना, ये पानी से सरकार ने वजू बनाए थे हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा ने, तो ये पानी की करामात है, ये हाजी अब्दुलरहमान मलंग शाह बाबा की जिंदा करा। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी दोस्तों मैंने आपको घोड़े का चश्मा दिखाया जहाँ पर घोड़े का टाप लगने से पानी निकलता था, जो कि ये भी आपको दोस्तों एक्सप्लोर करके दिखा दिया। अब यहाँ से निकलते हैं। तो अभी दोस्तों फाइनली हम उतर चुके हैं नीचे, जो कि जहाँ से टिकट काउंटर चालू होता है वहाँ पे फाइनली आ चुके हैं, जो कि इस टाइम 8 बजने वाले हैं, जो कि उतरने में हम लोगों को करीब 1.5 घंटा लगा उतरने में हम लोगों को ऊपर से नीचे, यानी हालत ख़राब हो चुका है उतरने में भी, लेकिन फाइनली दोस्तों उतर चुके हैं। और सारा कुछ इस दरगाह के ऊपर, जो हाजी मलंग दरगाह के ऊपर जो जो कुछ था आप सभी लोगों को हमने पूरा मुकम्मल तरीके से दिखाया। बाकी अगर एकाध दो को बाकी हो गया होगा कोई जगह तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उस चीज़ को भी आप सभी लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। तो अभी दोस्तों वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इसको अब करते हैं यहीं पेंट, क्योंकि अभी हम लोगों को 70 से 80 किलोमीटर 90 किलोमीटर जाना है। तो वीडियो करते हैं दोस्तों यहीं पेंट। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई MD आसिफ UP वाला को सपोर्ट करें। मिलते हैं दोस्तों आप सभी लोगों से किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, खुदा हाफिज़, बाय बाय।